नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल द की पॉइंट्स पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अभी कुछ दिन पहले नोटिफिकेशन आया है झारखंड JSSC सचिवालय के लिए CGL जो एग्ज़ाम आ चुका है, आप लोग जानते होंगे। और अगर नोटिफिकेशन नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, और हमारे YouTube चैनल पर भी नोटिफिकेशन सिलेबस डाला हुआ है, और जिसका परीक्षा आप लोग का कुछ ही दिनों में होगा, अभी उसका नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो हम लोग इसका तैयारी शुरू कर रहे हैं। अगर आप लोग तैयारी शुरू नहीं किए हैं तो तैयारी शुरू कर लीजिए, और हमारे चैनल आपको आप लोगों के लिए शुरू कर दिया है तैयारी, ठीक है। तैयारी कराना हमारा फर्ज है, आप लोगों को बेहतर से बेहतर तैयारी कराएँ ताकि आप अपने परीक्षा JSSC CGL में अच्छा अंक प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों, आज जैसे कि हम नागपुरी भाषा यानी मुख्य परीक्षा PT तो नहीं, मुख्य परीक्षा में मेंस में क्या होगा कि आपका 3 पेपर रहेंगे जिसमें एक भाषा पेपर रहेगा। भाषा पेपर आप लोगों को लेना बहुत ज़रूरी है, और आप कोई भी भाषा एक ले सकते हैं जिसमें आपका जानकारी अधिक हो, आप उस भाषा को पढ़े हों। अगर नहीं पढ़े हों और अगर ले लेते हैं तो आपको बहुत दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो हम लोग आज शुरू करने वाले हैं नागपुरी भाषा पेपर 2, जो पेपर 2 के अंतर्गत आता है नागपुरी भाषा। तो उसमें जो व्याकरण का पाठ है वहीं से हम लोग शुरू करते हैं, ताकि आप लोगों को व्याकरण पढ़ना है, भाषा साहित्य पढ़ना है, बहुत सारा सिलेबस दिया गया है, आप जाके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल द की पॉइंट्स के प्लेलिस्ट में दिया गया है, आप देख सकते हैं। और एक जानकारी आप लोगों को देना चाहूँगा कि हमारा वेबसाइट, हमारे चैनल का वेबसाइट है www.thekeypoints.in। इस पे आप जाके बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। यहाँ भी आप लोगों को महत्वपूर्ण क्वेश्चन, महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है, ताकि आप लोगों को JSSC एग्ज़ाम हो, JTET हो, JPSC हो, इसमें परेशानी नहीं होगी। तो दोस्तों, आज हम लोग शुरू करते हैं नागपुरी भाषा पेपर 2। जो दोस्त ऐसे हैं, जो छात्र ऐसे हैं जो पेपर 2 का पढ़ाई शुरू नहीं किए हैं, तो अभी से ही PT और मेंस दोनों का तैयारी साथ साथ में करते चले जाइए। तो जैसे कि आप अगर JSSC, JPSC, JTET और झारखंड पुलिस का तैयारी कर रहे हैं, तो सभी एग्ज़ाम में पेपर 2 रहता है, जो भाषा का पेपर रहता है, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, नागपुरी, पंचपरगनिया, कुरमाली, खोटा, हो, खड़िया, बहुत सारे भाषा रहते हैं। तो आपको एक भाषा लेना ज़रूरी है, जिस भाषा की जानकारी आपको अधिक हो वो भाषा लें। तो आज हम लोग शुरू करते हैं नागपुरी भाषा पेपर 2। इसमें हम व्याकरण शुरू करते हैं। व्याकरण में हम आज लेते हैं संज्ञा, ठीक है। तो संज्ञा, तो नागपुरी भाषा का संज्ञा हम किस तरह, इसका जो संज्ञा है यह हिंदी भाषा की तरह ही इसका व्याकरण है, ठीक है। और यह उतना कहे तो हार्ड नहीं है, आसानी से, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा इसके साहित्य पढ़ना। किसी भी भाषा को जानने के लिए उसके व्याकरण को पढ़ना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो आइए हम संज्ञा के बारे में पढ़ते हैं, चर्चा करते हैं कि किसे संज्ञा कहा जाता है नागपुरी के आधार पर। तो कौनवे भाषा कर अपन व्याकरणिक विशेषता होएला, यानी किसी भी भाषा का अपना एक व्याकरणीय विशेषता होता है, नागपुरियों कर अपन व्याकरणिक विशेषता होएला। तो नागपुरी का भी अपना व्याकरणिक विशेषता है। फिर आगे देखते हैं, मुद्दा संज्ञा कर बाबत नागपुरी संज्ञा हिंदी लखे होएला, यानी हिंदी के संज्ञा का परिभाषा जिस तरह से है, हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं। आप लोग जो छात्र नागपुरी नहीं लिए हैं एग्ज़ाम में, वो पेपर 2 में वह हिंदी पढ़ सकते हैं, हिंदी का भी क्लास कराया जाएगा। तो आगे हम परिभाषा जानते हैं नागपुरी में संज्ञा का परिभाषा। तो किसे कहते हैं संज्ञा, के कहल जाते, तो आता है संज्ञा से कोनो जिनिस, ठाव भाव चाहे नाव कर बोध होएला, यानी ठाव भाव चाहे नाव कर बोध होएला। ठाव यानी जगह, स्थान, भाव यानी भाव जो भी संज्ञा में हिंदी में कहा जाता है, और नाव यानी नाम का बोध होता है। कोनो नाव भाव ठाव चाहे जिनिस कर बोध होए
उके संज्ञा कहल जाएला, यानी इसका जो बोध होता है ठाव भाव चाहे नाव का बोध होता है उसी को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा, अब संज्ञा का भेद आता है, तो संज्ञा, संज्ञा कर नागपुरियों में हिंदी लखे पांच गो भेद होयला। कै गो भेद होयला? पांच गो भेद होयला, यानी पांच भेद होता है। नागपुरी में भी हिंदी की तरह संज्ञा का पांच भेद होता है, जैसे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, समझ में आ गया। आगे हम देखते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो जौन शब्द से कोनो एक ठो, जौन शब्द से कोनो एक ठो वस्तु चाहे व्यक्ति कर बोध होवे उके व्यक्तिवाचक संज्ञा कहल जाएला। तो किसी भी एक वस्तु, जैसे एक ठो वस्तु, यानी एक वस्तु या किसी व्यक्ति, एक व्यक्ति का बोध होता है तो हम उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। हिंदी में भी इसी तरह से परिभाषित किया गया है। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा ई लखे होयला। जैसे हम लोग देखते हैं क में आदमी कर नाम, आदमी का नाम यानी आदमी का नाम, जैसे मंगरा, ढेबले, शकुंतला, बसंती आदि। ठीक है, देखते हैं दिशा कर नाम, यानी दिशा का नाम, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, भंडार कोना आदि। आगे हम देखते हैं देश मनक नाम, यानी देश का नाम, जैसे आसाम, भूटान, नेपाल, भारत आदि जितने भी देश हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं नदी कर नाम, यानी नदी, नदियों के नाम जो भी आते हैं ना व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आते हैं, जैसे कोयल, कारो, शंख, गंगा, जमुना, जो भी हो ये नदी के नाम जो भी आते हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अगला हम देखते हैं पहाड़ मनक नाम, यानी पहाड़, पहाड़ के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, जैसे पाट पहाड़, बंगरू पहाड़, ठीक आदि जो भी पहाड़ हैं, जितने भी पहाड़ के नाम हैं वे व्यक्तिवाचक। किताब का नाम, यानी किताब का नाम, जैसे सहिया, पजरा, रामायण आदि। घटना ऐतिहासिक लड़ाई, अभी कोई भी घटना या ऐतिहासिक जो भी लड़ाई हुए हैं उन वे भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, जैसे लड़का विद्रोह, सरकार विद्रोह, टाना आंदोलन आदि। दिन महीना का नाम, सोमरा, मंगरा, बुध, बिफे, पूस, सोमार, मंगर, बुध, बिफे, पूस, माघ, फागुन, ठीक है आदि हो गए। और जैसे पर्व मनक नाम, यानी कोई भी पर्व, पर्व का भी नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे, जैसे करम, सरहुल, सोहराई, जीतिया आदि। जितने भी पर्व आएंगे वे भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। तो दोस्तों आज यहीं तक, फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। ठीक है, इसी के साथ धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल द की पॉइंट्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों पिछला वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने नागपुरी भाषा पेपर टू का संज्ञा पे चर्चा कर रहे थे, उसकी परिभाषा, उसके उदाहरण जो भी थे। ठीक है, तो आज उससे आगे हम लोग जितने भी बचे हुए हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों आप लोगों से एक अनुरोध है कि अगर आप लोग यह वीडियो देख रहे हैं तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों को फायदा हो, उन लोगों को कोचिंग जाना ना पड़े, वे कोचिंग नहीं कर सकते हैं। और हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए ताकि आपको जो भी वीडियो क्लास प्रोग्राम है हमारा आपको मिलते रहेगा। अभी जो वर्तमान में निकला हुआ है वैकेंसी झारखंड JSSC CGL, झारखंड से जो वैकेंसी निकला है JSSC CGL 2019, इस पे क्लास शुरू कर दिए हैं हम लोगों ने और मेंस का शुरू हो गया है। तो ये भाषा, नागपुरी भाषा पेपर टू, जिससे हम लोग संज्ञा पढ़ रहे थे। तो चलिए आगे हम देखते हैं कि जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा पे चर्चा करते हैं। जौन शब्द से कोनो एक वर्ण या एक मध्यकर जीनिस चाहे
आदमी मनक बोध होए उके जाति वाचक संज्ञा कहल जावेला। ठीक है, तो जौन शब्द से कोनो एक वर्ण या एक मध्य कर जिनिस चाहे आदमी मनक बोध होएला उके जातिवाचक संज्ञा कहल जाएला। यानी हम लोग जानते हैं कि एक ही वर्ण यानी एक ही जाति का बोध होता है, जब एक ही जाति जैसे बोले तो गाय यानी सभी जाति का, सभी गायों का बोध होता है, गाय बकरी यानी सभी बकरी का बोध होता है, उसी प्रकार से हम लोग जातिवाचक संज्ञा ई लखे होएला। जैसे क हम लोग देखते हैं हित नाता काम धंधा ओहदा मनक नाव बहिन राजा मजदूर ब्राह्मण राजपूत मास्टर। ठीक है, क पशु पंछी मनक नाव, पशु पंछी मनक नाव यानी हित नाता काम धंधा ओहदा मनक नाव में बहिन राजा मजदूर जो भी आ गए आदि हो गए मास्टर। ठीक, तो उसी प्रकार पशु पंछी मनक नाव यानी पशु पक्षी का नाम जैसे घोड़ा मेंजूर कौआ खर्रा, यानी घोड़ा मयूर कौआ खर्रा ये जितने भी हैं ये इसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा हो जाते हैं। जैसे जिनिस मनक नाव घर गुहार पहाड़ किताब, यानी घर, घर बोलने से जितने भी घर सभी आ जा रहे हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से गुहार यानी गोहाल, हम लोग जैसे गुहार नागपुरी में गुहार बोला जाता है जहाँ पे हम लोग गाय बैल रखते हैं। ठीक है, पहाड़ यानी पहाड़, किताब यानी किताब, यानी किताब अगर बोलते हैं तो सभी किताब उसके अंतर्गत, कोई खास नाम का वस्तु नहीं हो रहा है। तो ठीक है, आगे हम देखते हैं प्राकृतिक नाम यानी प्राकृतिक नाम जैसे धुका बोर्डो बरखा, बरखा यानी बारिश वर्षा, उसको हम लोग बरखा नागपुरी में बरखा कहते हैं। आगे हम चलिए देखते हैं अगला भाववाचक संज्ञा यानी भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जौन शब्द से आदमी चाहे जिनिस कर गुण या उकर दशा कर बोध होवेला उके भाववाचक संज्ञा कहल जाएला। यानी जिस शब्द से के चाहे वो आदमी हो या कोई भी वस्तु हो उसका गुण या उसका दशा से ये दशा का बोध होता है तो उसी को हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो जैसे यानी जैसे बुढ़ारी जवानी अगबक्की दुलार ममता एरंगा सुंदर या जवानी बुढ़ारी ये जितने भी इनके उदाहरण यानी ये भाव व्यक्त कर रहे हैं। बुढ़ारी यानी एक भाव है, ये हम लोग देख या सुन नहीं सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार अगला हम देखते हैं अगला समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा हम लोग किसे कहते हैं। तो जौन शब्द से आदमी चाहे जिनिस कर समूह हुए बोध होला यानी समूह का होने का बोध होता है बोध होएला उके संज्ञा कहल जाएला, यानी उसी को हम लोग संज्ञा कहते हैं। यानी कौन सा संज्ञा कहते हैं, समूहवाचक यानी समूह का बोध होता है। जैसे हम लोग पंचायत यानी पंचायत जब लगता है वहाँ बहुत आदमी होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं यानी एक झुंड होता है, बहुत भीड़ होता है। जैसे मेला में बहुत भीड़ यानी गोछा यानी गुच्छा, जत्रा यानी कोई भी जत्रा लगता है, तो ये जो समूह में रहते हैं लोग, समूह में रहते हैं कोई भी वस्तु हो या व्यक्ति हो अगर समूह में रहता है तो उसी को हम लोग समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अगला हम देखते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। जौन शब्द से कोनो द्रव नापेक जोखेक तौलेक वाला कर बोध होए ओके द्रव्यवाचक संज्ञा कहल जाएला। यानी हम लोग इसको समझ सकते हैं कि नापेक यानी नापने वाला, जोखेक यानी तोलने वाला लंबाई मापने के लिए, नापेक जोखेक लंबाई मापने के लिए जो भी शब्द का बोध होता है उसी को हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी जौन शब्द से कोनो द्रव कोई भी द्रव रहेगा जिसको हम माप सकते हैं तोल सकते हैं उसका अगर बोध होता है तो उसको हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दूध पानी लोहा सोना तांबा, यानी दूध को हम लोग लीटर से माप सकते हैं। ठीक है, पानी को माप सकते हैं, लोहा को तोल सकते हैं, सोना तोल सकते हैं, तांबा तोल सकते हैं इस। ठीक है, तो इसी प्रकार आप हम लोग देखे कि संज्ञा का जो भी बचा हुआ
पार्ट था उसको हम लोग देख लिए। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। तो अगर आप हमारे YouTube चैनल द की पॉइंट्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे जाके रेड बटन में सब्सक्राइब लिखा होगा उसको क्लिक कीजिए। उसके बाद बगल में एक घंटी का पिक्चर आएगा, फोटो आएगा, उसको क्लिक कर कीजिएगा, ताकि इसमें इससे ये फायदा होगा आप लोगों को कि जो भी हम लोग का वीडियो क्लास प्रोग्राम के तहत वीडियो डाला जाएगा आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए, नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, ठीक है। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। आप लोग खुश रहिए, धन्यवाद।